सर, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, क्या मतलब है? देखिए, जो बाड़मेर में नकली नोट बरामदगी का प्रकरण था, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के क्रम में एक नाम सामने आया। उस व्यक्ति का नाम है खंडू खान, निवासी सेड़वा थाना इलाके का, कि वो भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने जब उसके घर पर दबिश दी और उससे पूछताछ करी, तो खंडू के घर से हमें करीब 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। और उसके बाद, उस बरामदगी के बाद, जब उससे वहीं सघन पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि ये हेरोइन वो एक उसका पड़ोसी है मूलाराम, जो भी उसके पास भी रहता है, उसके माध्यम से आगे बेचने का काम करता था और कुछ मादक पदार्थ मूलाराम के घर पे भी है। ऐसे में पुलिस ने जो है मूलाराम को के घर पे दबिश दी और वहाँ तलाशी ली, तो करीब 1 किलो हेरोइन मूलाराम के घर से बरामद हुई। इस प्रकार अभी इसमें हमने दो व्यक्तियों, एक है खंडू खान पुत्र होत खान निवासी सेड़वा और एक है मूलाराम जिसको कि गिरफ्तार किया है, और इन दो के कब्जे से करीब करीब 2 किलो 745 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट कीमत अनुमानित करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा अब इन दोनों को रिमांड पे गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाएगा और इनसे आगे तफ्तीश की जाएगी कि ये इतनी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में मादक पदार्थ इनके पास कहाँ से आया और क्या नेटवर्क है और किसके थ्रू ये इसको आगे कहाँ देने वाले थे, वो सब अब आगे की तफ्तीश की जाएगी। सर, जो कल घुसपैठिया मारा गया था, उन सब चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन बैठ रहा है? नहीं, उससे इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और अभी ये भी एस्टेब्लिश नहीं है कि इसका सोर्स क्या है, क्या ये क्रॉस बॉर्डर आई है, लोकल है या कहीं से आई है, वो अब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाए। सर, इन लोगों फेक करेंसी वाला था, उसका घुसपैठिया का कनेक्शन नहीं, उसका भी कोई कनेक्शन? सर, वो जो बॉडी थी वो एक्सेप्ट कर दी पाकिस्तान ने, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, उसको पहले हाँ करने के बाद उन्होंने फिर ना कर दिया। कल रात में उन्होंने एक्सेप्ट की थी पर सुबह फिर उन्होंने वापस से ना कर दिया, तो अभी बॉडी हमारी मॉर्चरी में है। फर्दर सीरीज ऑफ फ्लैग मीटिंग अभी जारी है, जैसा भी होगा अभी हम वेट करेंगे। हम एटलीस्ट अभी तक जो तफ्तीश है उसमें क्या बात सामने आई है, जो घुसपैठ की जो पूरी तफ्तीश है उसमें क्या बात सामने नहीं, जो कल जिसकी डेथ हुई है उसको नहीं, उसमें ये तो एस्टेब्लिश्ड है जो बात है कि वो बॉर्डर के उस पार से आया था और अब उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है, तो उसके आने का क्या मकसद था या उसकी आइडेंटिटी, ये अभी तक नहीं पता लग पाई है। वो तो चूंकि उधर रहता था, तो अब जब वहाँ से कुछ हमें फ्लैग मीटिंग के जरिए, बीएसएफ के जरिए कुछ पता लगेगा, तब हम बता पाएंगे। क्या इस बात का भी अंदेशा है कि ये वहाँ का ना हो, कि यहाँ का आसपास का कहीं रहने वाला हो? किसी ने क्लेम किया कि ये यहाँ का रहने वाला है? इस तरह की कोई भी बात अभी हमारे अनुसंधान में नहीं आई है, ना ही कोई भारत निवासी व्यक्ति उसको अभी तक क्लेम किया है एज अपने परिजन के रूप में। तो ये सर, पहले नकली नोट, फिर घुसपैठ, अब हेरोइन, किस तरीके से देखती है पुलिस इन सब घटनाओं को? कितना बड़ा नेटवर्क है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वही पुराने तस्कर फिर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, अगेन खंडू जो है उसका ऐसा ही हिस्ट्री रही है, उसकी एज भी काफ़ी है, 70 बरस है और उसके वहाँ रिलेशंस भी हैं, नो डाउट। अब ये हमेशा से इस काम में रहे हैं और अब ये इनका वापस से एक्टिव होना एक अपने आप में अलार्म है हमारे लिए। अच्छी बात यह है कि हमें ये सीजर्स हुए हैं, इसके माध्यम से अब हमारा ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको बुक किया जाए, पकड़ा जाए, ताकि एक तो ये सिलसिला रुक सके और जो कई बार नए लोग इसको इजी मनी के चक्कर में इधर चले जाते हैं, वो इसकी गंभीरता से इनका अंजाम देख करके इससे डाइवर्ट हो सके, ऐसा ना करें। सर, जो आज दो पकड़े गए आरोपी, उनके पास नकली नोट भी बरामद हुए? नहीं सर। ये जो रहीन थी इनके पास, या पहले जब ये काम करते, सप्लाई कहाँ कर करते थे, इसका कुछ पता है? नहीं, अभी जस्ट आज गिरफ्तार किया गया है। जैसे भी रिमांड अवधि में जो भी पूछताछ में तथ्य सामने आएंगे, बाद में आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू सर।